राम नमस्ते हेलो केम छो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार बैंक मास्टर पर। दोस्तों सुबह 5:30 बज चुके हैं और आपने ताजा तरीन खबरें लेकर के आ चुके हैं आपके पीयूष सर, तो फटाफट से जुड़ जाइए और स्टेशन को शेयर कर दीजिए जहां तक आप पहुंचा सकते हैं। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम, जहां भी आपकी पहुंच है वहां तक दोस्तों मेरे शो को पहुंचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि भाई बेस्ट कंटेंट तो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट। आज बहुत ही ज्यादा जो है करंट अफेयर्स से भरी हुई क्लास है ये, जिसमें मैं मैक्सिमम आपको करंट अफेयर नॉन स्टॉप देने की कोशिश करता हूँ। एक नजर सब कवर कुछ भी छूटने नहीं आता है। बात समझ में आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? गुड मॉर्निंग, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। क्या बात है, वाह वाह अनुराग, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को भैया, गुड मॉर्निंग काजल, रामकृष्ण जी बहुत दिन बाद आप दिख रहे हैं, प्रदीप, पतिराम, शिवानी, सभी लोगों को नमस्कार, राधे राधे। दोस्तों बैंक मास्टर्स पर मेरी क्लास सुबह 5:30 बजे होती है और 5 बजे शाम को वाईफाई स्टडी 2.0 पर होती है। 6 मंथ करंट अफेयर की बेस्ट 200 सीरीज, रात को 9 बजे मैं जो है कि 6 मंथ करंट अफेयर का टेस्ट लेता हूँ, इंटरेक्टिव क्लास होती है। यहाँ अक्टूबर पढ़ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लोग जुलाई अगस्त पढ़ रहे हैं, दोनों क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं। 1 घंटा पढ़ाऊंगा, दो घंटा पढ़ाऊंगा, एक ही घंटा पढ़ोगे कोई फायदा नहीं है। मैं अगर दिन भर में 4 लेक्चर ले रहा हूं तो चारों की अपनी इंपॉर्टेंस है। बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चन आएगा तो 7 बजे वाले में से फंसेगा, ओल्ड करंट अफेयर से क्वेश्चन आएगा तो ये शाम को 5 बजे वाले में से फंसेगा, लेटेस्ट करंट अफेयर से क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे फंसेगा 9 बजे वाले, और एकदम लेटेस्ट से आएगा तो सुबह 5:30 बजे वाले में से फंसेगा। चारों अपनी इंपॉर्टेंट क्लास है। अब आप एक क्लास करके सोचोगे कि सर क्वेश्चन नहीं आया, अब मान लो क्वेश्चन पुराने से पूछ दिया तो, मान लो तुम पुराना वाला सेशन ले रहे हो नए वाले से पूछ दिया तो, आप तो एग्जामिनर के दिमाग में नहीं बैठे हुए हैं, कहां से वो पूछेगा। हम तो सारी क्लासेस कर रहे हैं, हम सारी क्लासेस आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं कि नहीं। दोस्तों PSI 10 कोड यूज करके फिर आप लोग सीधे टीचर को बोल दोगे, और क्या आदमी 2 घंटा पढ़ा रहा है और आप 1 घंटा पढ़ रहे हो, तो क्या आप पूरा पढ़ रहे हो? 100% क्लासेस करनी होंगी आपको, 4 घंटे की ये जो क्लासेस है दिन में, ऐसा भी नहीं कि लगातार है, एक एक अंतराल पे है, इसे आप कर सकते हैं। और PSR 10 कोड यूज करके ऐप को डाउनलोड करके अनलॉक कीजिएगा और ये दोनों क्लासेस अटेंड कीजिएगा। ऐप पे फ्री क्लास है, कोई उसका पैसा नहीं लगना है, फ्री क्लास है। ज्वाइन करने के लिए लिंक कहां से मिलेगा आपको इस सब लेक्चर्स का, वो जीए बाई पीयूष सर टेलीग्राम से मिलेगा, PDF हो गया, लिंक हो गया, ये सब यहां से मिलेगा। ओके, तो भैया थोड़ा सा ध्यान दे लो, एग्जाम है 22 दिसंबर को, देखिए बहुत सारे बैचेस आए हुए हैं, मेरा भी पॉइनियर बैच आया हुआ है दोस्तों, जिसमें 11 बजे मैं एकदम ताबड़तोड़ 1.5 घंटे पढ़ाता हूँ। ये सब बैचेस लेने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है, सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है, यानी कि सारे टीचरों का, 100 से अधिक टीचरों का एक्सेस इंडिविजुअल कोर्स के लिए और एग्जामिनेशन कोर्स के लिए भी, एग्जामिनेशन के लिए मॉक टेस्ट भी। अब आपको अलग से कुछ नहीं लेना है, सब इसी में ऐड है, स्टडी मटेरियल, पर्सनल गाइडेंस, एक्सपर्ट गाइडेंस, अपने टीचर से उस क्वेश्चन के डाउट को आप उसी क्लास में पूछ सकते हैं जैसे फोन करके पूछते हैं। PSR 10 यानी बात कर सकते हैं आप, PSR 10 कोड यूज करने पे आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है, यहाँ सब्सक्रिप्शन लेने पे 6 महीने से ऊपर के सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको लोन भी मिल रहा है, नो कॉस्ट EMI, 0% ब्याज पे लोन मिल रहा है, 325 रुपये पर मंथ की कॉस्टिंग आ रही है, 7800 रुपये देखने में लगता है, लेकिन 2 साल वाले में इस समय जो है 10 रुपये पर डे से भी कम की कॉस्टिंग आती है PSR 10 कोड यूज करने पे, कॉस्टिंग और कम आ रही है। क्यों? क्योंकि अगर आप बैंक SSC कॉम्बो ऑफर ले रहे हैं, आज उसका लास्ट डेट है, 2 साल का लेने पे दोस्तों 1 साल फ्री मिल रहा है और 1 साल का लेने पे आधा साल, यानी 1 साल का सब्सक्रिप्शन लोगे 1.5 साल का हो जाएगा, 2 साल का लोगे तो 3 साल का हो जाएगा,
अब तुम सोचोगे सर इतना थोड़ी पढ़ना है, हमें तो तुरंत सिलेक्शन लेना है, तो आपके दोस्त है, भाई बंधु हैं, उनके काम आ जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि ये बर्बाद हो जाएगा। तैयारी करने वाले आगे तुमको देख के प्रेरणा पाके भी आगे तैयारी करेंगे, उनको दे देना। आइकॉनिक फीचर आया है, जैसे कुछ बच्चे चाहते हैं हमको प्रायोरिटी दो, कुछ गार्जियन भी चाहते हैं मेरे बच्चे को प्रायोरिटी दीजिए, तो यहाँ आस्क डाउट में और हैंड फीचर में यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाती है आपको। थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज पड़ जाता है, 390 रुपये पर मंथ। इसमें भी आप PSR 10 कोड यूज़ करोगे तो 10 रुपये से कम की ही कॉस्टिंग आपकी आएगी। दोस्तों संडे को स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, इसे ज़रूर किया कीजिए। 1000 बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है। PSR 10 कोड यूज़ कीजिए और PSR 10 कोड यूज़ करके इनरोल कर लीजिए अपने आप को संडे वाले स्कॉलरशिप टेस्ट में। टॉप 3 में अगर आ गए तो 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। रात को 9 बजे मेरी क्लास होती है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहां से आप मुझे फॉलो कर लीजिए। 6 मंथ करंट अफेयर बैंकिंग अवेयरनेस के साथ पीयूष सिंह नाम से सर्च भी कर सकते हैं बैंक एग्जाम कैटेगरी पे, और मुझे फॉलो कर लेंगे तो मेरे सारे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर जनरेटेड तुम्हारे पास पहुंचेंगे। 7 बजे जो बैंकिंग की अपनी प्योर बैंकिंग कॉन्सेप्ट क्लास चला रहा हूं, ऐसी क्लास मैंने कभी नहीं करी होंगी कहीं पे भी, इतनी डेप्थ में इतने आराम से पढ़ा रहा हूं, ऐसे ऐसे टॉपिक पढ़ा रहा हूं जो कि आप लोगों ने बैंकिंग अवेयरनेस में RBI मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ के लोग ठंडे हो जाते हैं, हम लोग RBI मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ ही नहीं रहे हैं। ऐसे ऐसे टॉपिक पढ़ रहे जो कि जनरली आप जनरल अवेयरनेस में आपने नहीं पढ़े होंगे, या टीचर शुरू के 2-4 टॉपिक पढ़ा के निकल जाता है। मैंने उन सब टॉपिक्स को पढ़ाने का डिसीजन लिया है जो आपको कोई नहीं पढ़ाता, भागते हैं लोग उन सब चीज़ों को। जैसे आज हम लोग कैपिटल मार्केट पढ़ेंगे, कल हम लोगों ने फॉरेन ट्रेड पढ़ा, ठीक है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग कवर कर रहे हैं दोस्तों इसमें। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज के एक ऐसे ही एक खबर है, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको लिया है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। बहुत करेंट तो नहीं कहेंगे, क्योंकि जब CDS बिपिन सिंह रावत जी का निधन हुआ उसके एक दिन पहले की यह घटना है, जब बिपिन सिंह रावत जी ने इस आयोजन में हिस्सा लिया था और उनका हेलीकॉप्टर अगले दिन क्रैश किया था, और इन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस वहां पे एड्रेस किया था कि बायोलॉजिकल वॉर अगला हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे नेम द मल्टीनेशनल एक्सरसाइज दैट वाज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड इन पुणे महाराष्ट्र टू डेवलप कैपेबिलिटी इन डिजास्टर मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बिमस्टेक। दोस्तों सार्क का मुख्यालय काठमांडू में, बिमस्टेक का मुख्यालय ढाका में। 2014 में सार्क वाले सभी कंट्रीज आई थी शपथ ग्रहण समारोह में मोदी जी के, और 2019 में बिमस्टेक वाले आए थे। बे ऑफ बंगाल तो ढाका में ही होगा, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो दोस्तों ये कौन सी एक्सरसाइज थी जिसमें आखिरी बार, कौन सा आयोजन था जिसमें हमारे देश के वीर सपूत, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन सिंह रावत जी ने हिस्सा लिया था, वो आखिरी बहुराष्ट्रीय मल्टीनेशनल एक्सरसाइज अभ्यास था PANEX 21। पुणे से याद रखना, पुणे में PANEX हुआ, पुणे में PANEX हुआ, पुणे में PANEX हुआ, बिमस्टेक का ये आयोजन था, ये भी याद रखना। बिमस्टेक के सभी लोग यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। पेंडेमिक से रिलेटेड दोस्तों ये जो है पूरा का पूरा ये एक एक्सरसाइज किया गया था। ओके, क्लियर है। बे ऑफ बंगाल से सटे हुए जितने देश है सब इसके मेंबर होते हैं, सब इसके मेंबर होते हैं। यहां आप देख सकते हैं मनोज मुकुल नरवणे जी हैं, बिपिन सिंह रावत जी हैं, ये सारे लोगों को आप यहां पे देख सकते हैं। खैर ये इसका तीसरा संस्करण था। ओके, बिमस्टेक के मेंबर्स कौन कौन है? इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड। थाईलैंड में पहला आत्मनिर्भर कॉर्नर शुरू हुआ था, श्रीलंका फूड इमरजेंसी लागू हुआ, 500 मिलियन हमने दिया श्रीलंका को, हमारा प्रायोरिटी वन फ्रेंड है ये।
और श्रीलंका से बौद्ध भिक्षु आए थे महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेष लेके कुशीनगर में, जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना तो पहली लैंडिंग इन्होंने ही की थी। ठीक है, ओके, चल। तो दोस्तों इसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान नहीं है, इसीलिए 2019 वाले शपथ ग्रहण में वो लोग नहीं आए थे क्योंकि बिम्स्टेक के मेंबर्स आए थे। किस संगठन ने ई छावनी परियोजना के तहत छावनी बोर्ड यानी कि कैंटोनमेंट बोर्डों के नागरिकों के लिए भारत की पहली जीआईएस आधारित स्वचालित जल आपूर्ति प्रणाली विकसित की है? विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड इंडिया फर्स्ट जीआईएस बेस्ड ऑटोमेटिक वाटर सप्लाई सिस्टम फॉर सिटीजन्स ऑफ कैंटोनमेंट बोर्ड अंडर ई छावनी प्रोजेक्ट, अंडर ई छावनी प्रोजेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पे भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ये है इंस्टीट्यूट भारत का जिसने यहाँ पे ये काम किया ई छावनी परियोजना के तहत वाटर ऑटोमेटिक वाटर सप्लाई सिस्टम जो है वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा जीआईएस बेस्ड यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन बेस्ड एक तरीके से ये पूरा का पूरा व्यवस्था होगा। ये इंटीग्रेशन सिस्टम ई छावनी पोर्टल का भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा जो है किया जा रहा है। ओके, किस देश के विदेश मंत्री ने हाल ही में भारत का दौरा किया, राजनयिक प्रशिक्षण और सहयोग के कार्यक्रम में भारत के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर भी किए? तो दोस्तों यहां पर तजाकिस्तान के जो है विदेश मंत्री, देखिए भारत में बहुत सारे विदेश मंत्री आए थे, तो यहां पर राजनयिक प्रशिक्षण और सहयोग के कार्यक्रम पर हस्ताक्षर हुए। ये वही तजाकिस्तान है जिसने जो है तालिबान की सत्ता को चैलेंज किया था कि हम नहीं मानते तुमको कि तुमने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हो गए हो। यही तजाकिस्तान के दुशानबे में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग भी हुई थी इस बार की। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO जिसके 9 मेंबर हो गए हैं, ईरान भी एक मेंबर हो गया, 8+1 मेंबर। अभी इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग हुआ, सारे विदेश मंत्री आए थे, तो वो भी आए थे तजाकिस्तान वाले, तो उनसे अलग से भी एक डील हो गई, हमारे विदेश मंत्री कौन है, एस जयशंकर जी हैं। उनके विदेश मंत्री कौन है, सिरोजीद्दीन मोहरीद्दीन। ये अपना भारत और मध्य एशिया वार्ता इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग में 18-19 दिसंबर को आए थे, और यहाँ पे अलग से भी इनसे मुलाकात हुई और डील साइन हुई। तजाकिस्तान की कैपिटल दुशानबे है और करेंसी है सोम। दोस्तों ये सब कंट्रीज पहले सोवियत रूस का पार्ट हुआ करते थे, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब। ओके, नेक्स्ट जो सबमिट होगा उज्बेकिस्तान के समरकंद में होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया शिवानी, बहुत अच्छा। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत में बाजरा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग के साथ एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली साइंड अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट विथ नीति आयोग टू प्रमोट माइलेट्स प्रोडक्शन इन इंडिया? दोस्तों मेरी जो रात की 9 बजे वाली 6 मंथ करंट अफेयर क्लास है और जो शाम को 5 बजे वाली है, भाई हर चीज, मतलब शाम को 5 बजे वाले में मैं एक एक चीज करा रहा हूँ, जैसे टॉपिक वाइज करा रहा हूँ। जैसे कल मैंने क्या कंप्लीट किया, रैंकिंग, जो रैंकिंग आपने आज तक नहीं पढ़ी होगी वो रैंकिंग कल मैंने कराई है। बस आपको पेपर पेन लेके बैठना है, नोट करना है, सारी रैंकिंग करा दी, उसके बाहर से नहीं आएगा। सारे एक्सरसाइजेस करा दिए इधर जुलाई से लेके अभी तक के, कि कौन कौन से एक्सरसाइज किस देश के साथ हुए और कहाँ पे हुए हैं, हर रोज कुछ करा रहा हूँ। कल इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स कराया था, मतलब परसों, उसके बाद उसके पहले वाले दिन मैंने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक का ताबड़तोड़ पैरा जो है पोस्टमार्टम किया था। जीए भाई पीयूष सर टेलीग्राम पे उसका लिंक भी मिल जाएगा कल शाम की 5 बजे वाली लेक्चर का। हर दिन जो है इस समय मैं टॉपिक वाइज भी करा रहा हूं और आज भी कोई ना कोई टॉपिक मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, क्लियर है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिएगा। नहीं अभी 27 तारीख से होगा, अभी 27 तारीख से होगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। नए करंट अफेयर से अगर क्वेश्चन आया तो हमारा जो है रात को 9 बजे ऐप वाला काम आएगा, पुराने करंट अफेयर से क्वेश्चन आया तो हमारा 5 बजे वाला काम आएगा, अगर बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चन आया तो 7 बजे वाला इवेंट काम आएगा, लेटेस्ट से क्वेश्चन आया तो ये सुबह 5:30 बजे वाला काम आएगा। यानी 4 घंटे में पढ़ा रहा हूं, चारों घंटे जिसने किए 100%
वही 100% नंबर पाने का हकदार होगा। असफलता बताती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। दोस्तों कभी कभी हम ओवर कॉन्फिडेंस में भी चले जाते हैं कि हमें तो सब आता है। कभी कभी हम बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं कि हमें तो सब आता है, और पानी कश्ती वही डूबती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जहां आपने हल्के में लिया, टेकिंग फॉर ग्रांटेड लिया, वहीं पे कश्ती डूब जाती है। दोस्तों इसलिए कहा जाता है कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, और मेरी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। तो कश्ती वहीं डूबती है दोस्त जहां पानी कम होता है, जहां आप ओवर कॉन्फिडेंस में होते। इसीलिए कहा जाता है कि डरना जरूरी है, क्योंकि डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। जब आप डरे हुए होते हैं तो अपना बेस्ट करते हैं, जब आप डरे हुए नहीं होते हैं तो आप अपना वर्स्ट करके आ जाते हैं। दोस्तों हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत में बाजरा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग के साथ एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली साइंड अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट विथ नीति आयोग टू प्रमोट माइलेट्स प्रोडक्शन इन इंडिया? तो दोस्तों यहां पर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ ये पूरा का पूरा चल रहा है। 2023 को बाजरा वर्ष के रूप में मनाने का जो है भारत का फैसला भी है। अभी माइलेट्स मिशन छत्तीसगढ़ चला भी रहा है, क्लियर है? वेरी गुड वेरी गुड। तो ये बात याद रखिएगा, एक एक चीज क्लियर करिए रखिएगा, ओके। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 2020 का नोबेल पीस प्राइज मिला था। इस बार का किसको मिला? मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव को मिला है। उसके पिछली बार किसको मिला था? अभी अहमद अली जो इथियोपिया के प्रधानमंत्री दोबारा चुने गए, उन्हें मिला था। ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा। तो नीति आयोग ने दोस्तों यहां पे बाजरे को मुख्य धारा में लाने के लिए यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ टाई अप किया। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन का एक ज्वाइंट वो है प्रोग्राम है। तो इसका भी हेडक्वार्टर रोम में ही है, जहां फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है वहीं पे, रोम इटली में। ओके चलो दोस्तों, एनपीसीआई कर्मचारियों के स्किल डेवलपमेंट को इंकरेज करने के लिए हाल ही में किस कंपनी ने एनपीसीआई के साथ एक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए? विच कंपनी रिसेंटली साइंड अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट विथ एनपीसीआई टू इनकरेज स्किल डेवलपमेंट ऑफ एनपीसीआई एम्प्लॉय? तो भैया जो रात को 9 बजे वाला ऐप पे क्लास होता है, फ्री क्लास होता है, और जो बैंकिंग का बेसिक मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसमें कल मैंने फॉरेन ट्रेड पढ़ाया था, बहुत सारी चीजें हैं, आज हमें कैपिटल मार्केट पढ़ाऊंगा, PSR10 कोड यूज करके वो फ्री क्लास आप अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है, PSR10 कोड का यूज कीजिएगा ऐप पे। दोस्तों यहां पे बात करें कि एनपीसीआई के जो इंप्लॉयज हैं उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए एनपीसीआई के साथ एक साझेदारी समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों तो ये यूडेमी एडिटेक कंपनी है, उसने किए। ओके क्लियर है, याद रहेगा। एनपीसीआई सन 2008 में आई थी, दिलीप आसबे हेड है। ऐसी और भी न्यू अम्ब्रेला एंटिटी आने वाली है। पीस पासुदेवन कमेटी के कहने पर 500 करोड़ रुपए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है ऐसी अम्ब्रेला एंटिटी जो सभी डिजिटल पेमेंट के लिए जिम्मेदार होंगी होती हैं। मुंबई इसका हेडक्वार्टर है, चाहे IMPS हो जो 5 लाख हो गया, चाहे UPI हो जिसकी अभी मल्टी पॉलिसी में 5 लाख करने की बात करी गई है, चाहे आपका भीम हो, चाहे फास्टैग सेवा हो, सारी सेवाएं, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस हो, भारत बिल पेमेंट सिस्टम हो, भारत QR हो, सब कुछ NPCI की ही देन है। चाहे चेक ट्रंकेशन सिस्टम हो या रुपे कार्ड हो, सब कुछ इसी की देन है। दिलीप आसबे इसके हेड हैं, और NPCI की स्थापना सन 2008 में RBI और IBA ने मिलकर की थी। ठीक है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के तहत हाल ही में किस बैंक ने हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की पेशकश करने के लिए केयर हेल्थ इंश्योरेंस के साथ हस्ताक्षर किए हैं? केयर हेल्थ इंश्योरेंस के साथ टाई अप किया है कर्नाटका ग्रामीण बैंक ने। ठीक है, कर्नाटका ग्रामीण बैंक ने यहां पे टाई अप किया है। ओके, कर्नाटक के 22 जिलों में ग्राहकों को हेल्थ इंश्योरेंस की मार्केटिंग करने के लिए केयर हेल्थ इंश्योरेंस के साथ टाई अप किया गया। कर्नाटका ग्रामीण बैंक बेल्लारी कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है, 2019 में आई थी, और CEO हैं नंदिनी KR जो IAS भी हैं। ठीक है,
मास्टर कार्ड ने किसके साथ पार्टनरशिप की है, टोकनाइजेशन फॉर कार्ड बेस्ड पेमेंट, कार्ड आधारित भुगतानों के लिए टोकनीकरण की पेशकश के लिए मास्टर कार्ड ने किसके साथ भागीदारी की है। दोस्तों इस खबर से मुझे दो खबर मिल रही है, दो खबर आती हुई दिख रही है। एक तो ये मुझे लग रहा है कि क्या मास्टर कार्ड के पे से बैन हट गया, इसे बैन तो नहीं हटा होगा क्योंकि बैन लगा था न्यू डेबिट कार्ड और न्यू क्रेडिट कार्ड इश्यू करने से, पुराने वाले को तो ये व्यवस्था दे ही सकते हैं। टोकनाइजेशन क्या है दोस्तों, जो कार्ड की डिटेल आप देते थे, सीवीवी नंबर देते थे, वो देने की जरूरत नहीं है, कार्ड की जगह, कार्ड नंबर की जगह अब आपको टोकन देना होगा। मास्टर कार्ड अमेरिका की कंपनी है, इसके हेड हुआ करते थे अजय पाल सिंह मंगा, अब हेड है इसके माइकल माइबाश। मास्टर कार्ड को बैन किया था आरबीआई ने दोस्तों, याद रखिएगा गूगल पे का पुराना नाम तेज ऐप था, तेज ऐप। ओके, मास्टर कार्ड आपकी कार्ड प्रोवाइडर कंपनी है, आपकी डिजिटल पेमेंट गेटवे कंपनी है। ओके, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एंड्रॉयड यूजर ऑफ गूगल पे कैन स्कैन एंड पे अक्रॉस ऑल भारत क्यूआर इनेबल्ड मर्चेंट, टैप एंड पे एंड मेक इन ऐप ट्रांजेक्शन थ्रू दियर मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। वेरी गुड, मास्टर कार्ड डिजिटल इनेबल सर्विस अलाउ पेमेंट क्रेडेंशियल टू बी सिक्योरली स्टोर्ड इन द मोबाइल डिवाइस इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल टोकन। पैसा भी है मास्टर कार्ड को, यही कार्ड का डेटा जो है कि लीक करने के लिए बैन किया गया था। अब टोकनाइजेशन सिस्टम भी इसी के लिए आया कि तुम डेटा ही ना चोरी कर पाओ क्योंकि यही डेटा ये लोग जामताड़ा वालों को बेच देते हैं, फिर वो लोग जो है आपको कॉल करते कहते बस एक ओटीपी गया होगा, तो यार बाकी डिटेल किसने दी, तो कोई जरूरी है यही सब दे रहे होंगे डिटेल। हाल ही में किस कंपनी ने डेंटल इंश्योरेंस की पेशकश करने के लिए क्लोव डेंटल के साथ टाई अप किया है, विच कंपनी रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद क्लोव डेंटल टू ऑफर डेंटल इंश्योरेंस। दांत का भी इंश्योरेंस हो रहा है दोस्त, आईसीसी लुम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कर रही है। लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ करके जो भी इंश्योरेंस करती है वो जनरल इंश्योरेंस कंपनियां करती हैं, जैसे GIC, NISCL, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस, ये सब। तो ये प्राइवेट कंपनी में आईसीसी लुम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस है और लाइफ इंश्योरेंस में आईसीसी पोटेंशियल लाइफ इंश्योरेंस है। आईसीसी पोटेंशियल लाइफ इंश्योरेंस की लवलीना बोर्गेहेन ब्रांड एम्बेसडर बनी है और यहाँ आईसीसी लुम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस की बात हो रही है, जिनका टैगलाइन है निभाए वादे, वादे निभाए हैं भैया इन्होंने, हाँ आसान बात नहीं है। भार्गव दास गुप्ता इसके हेड हैं और मुंबई महाराष्ट्र में इसकी जो है हेडक्वार्टर है। यहाँ पे जो ओपीडी बेनिफिट है यानी डॉक्टर्स से जो कंसल्टेशन है ये भी कैशलेस, ये जो है यहाँ पे अवेलेबल होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया दोस्तों, जेंडर इक्वलिटी, वो वॉन द UN वीमेन्स अवार्ड फॉर लीडरशिप कमिटमेंट टू जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता के लिए नेतृत्व प्रतिबद्धता के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार किसने जीता है। तो संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार जीता है दिव्या हेगड़े ने, किसने जीता है दोस्तों, दिव्या हेगड़े ने जीता है, जो बीरू इन्वायरमेंटल सर्विस की फाउंडर भी हैं, उडुपी कर्नाटक की हैं ये, जलवायु एंटरप्रेन्योर माना जाएगा इनको, कि एनवायरनमेंट के लिए काम करती हैं दिव्या हेगड़े। यहां पे इनको एशिया पैसिफिक महिला अधिकारिता सिद्धांत, समझ रहे हैं, यानी कि रीजनल एशिया पैसिफिक वीमेन्स इंपावरमेंट प्रिंसिपल अवार्ड सेरेमनी में सम्मानित किया गया है, वीमेन्स अवार्ड फॉर लीडरशिप कमिटमेंट के लिए। ओके, चलिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए डिजिटल पेमेंट में कौन सा बैंक टॉप पर है, विच बैंक टॉप द डिजिटल पेमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 एज पर द डेटा रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों अभी इस मिनिस्ट्री ने डिजिटल पेमेंट उत्सव किया था जिसपे हम लोग कई दिन से बात कर रहे हैं। डिजिटल पेमेंट उत्सव किसने किया है दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछ लिया तो लोग फिनेंस मिनिस्ट्री टिक करके आ जाएंगे, जबकि याद रखना कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्ट्री यानी अश्विनी वैष्णव ने इसे शुरू किया था, अश्विनी वैष्णव ने।
और दोस्तों बात किया जाए डिजिटल पेमेंट स्कोर में भी बैंक ऑफ बड़ौदा ही टॉप किया था। अगर हम लोग 2-3 महीने पीछे जाए तो डिजिटल पेमेंट स्कोर में भी बैंक ऑफ बड़ौदा ने ही तो टॉप किया था। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ही डिजिटल पेमेंट, तो डिजिटल पेमेंट के लिए कुछ भी आ जाए आंसर अगर सरकारी बैंकों में होगा तो डिजिटल पेमेंट के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा होगा। डिजिटल पेमेंट स्कोर में भी इसी ने किया था। ओके, तो बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे 2 साल के लिए टॉप कर चुका है, फर्स्ट पोजीशन जो है यहाँ पे मिला है। ओके, क्या बात, यहाँ आप देख सकते हैं ये हैं आईटी मिनिस्टर, ये हैं आईटी स्टेट मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर, ये हैं अश्विनी वैष्णव, तो ये लोग हैं पूरा डिजिटल पेमेंट उत्सव बढ़िया से मनाए हैं। संजीव चड्ढा जी अवार्ड ले रहे थे। तो एमडी है, सीएमडी है संजीव चड्ढा, बड़ोदरा गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है, बड़ोदरा का बड़ौदा का बड़ोदरा, बड़ोदरा का बड़ोदरा। तो दोस्तों यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा को बड़े बैंकों के बीच समग्र यानी ओवरऑल डिजिटल ट्रांजेक्शन में बड़े बैंकों में अवार्ड मिला है। ओके, याद रहेगा 5 डिजी धन अवार्ड मिले हैं दोस्तों, 5 बैंक ऑफ बड़ौदा को यहाँ पे 5 डिजी धन अवार्ड मिले हैं। और डिजी धन अवार्ड जो है कि जो डिजिटल पेमेंट करती हैं व्यापार के लिए बैंक्स, जो इसमें सक्षम और ज़्यादा जो है कि इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ अलग अलग कैटेगरी में ये अवार्ड पाई है, 5 डिजी धन अवार्ड पाई है। दोस्तों BWF मतलब बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के एथलीट आयोग के संबंध में कौन से पॉइंट सही हैं? पीवी सिंधु 2025 तक दूसरे कार्यकाल के लिए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में फिर से चुनी गई। 6 लोग चुने गए दोस्तों, 6 लोग में से एक जो है हमारी पीवी सिंधु फिर से चुनी गई है। सबसे ज्यादा वोट जो टॉप 6 पाते हैं उन्हीं को इसमें जो है रखा जाता है। ओके, क्लियर है, याद रहेगा। उसके बाद दोस्तों यहां पे अगर देखा जाए कि जर्मनी के पॉल एरिक हायर ब्रिटेन वर्ल्ड फेडरेशन के इस एथलीट आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। देखो ये हायर जो है ये ब्रिटेन वर्ल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष तो है, लेकिन ये जो एथलीट आयोग की जो वोटिंग हुई है, जैसे इलेक्शन कमीशन होता है वैसे जो एथलीट कमीशन की जो ये अध्यक्ष नहीं है, तो यहाँ पे ब्रिटेन वर्ल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष तो हैं लेकिन एथलीट आयोग के अध्यक्ष नहीं है। 6 सदस्यों को आयोग में नियुक्त किया गया। पीवी सिंधु एकमात्र सदस्य है जो फिर से चुनाव के लिए खड़ी हुई थी और फिर से जीत गई। पीवी सिंधु दोस्तों 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला है ओलंपिक में, भारतीय महिला, और सुशील कुमार भी 2 मेडल जीतने वाले पहले पुरुष हैं और आखिरी पुरुष हैं, तिहाड़ जेल में हैं। सुशील कुमार 2008 में और 12 में जीते थे, एक में ब्रॉन्ज एक में सिल्वर। पीवी सिंधु 2016 में और 2020 में जीती थी, एक में सिल्वर एक में ब्रॉन्ज। ठीक है, तो दोस्तों यहां ए और सी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे एथलीट कमीशन की जो यहाँ पे चुनाव हुआ इसमें पीवी सिंधु दोबारा खड़ी हुई और पीवी सिंधु को 120 वोट मिले हैं दोस्तों। टॉप 6 वोट पाने वाले ये लोग हैं, एक यूएसए, इंडोनेशिया, कोरिया, इंडिया, नीदरलैंड, चाइना, ये 6 लोग हुए हैं। जो लोग उसके बाद वोट पाए हैं वो लोग नीचे हैं, यानी वो लोग नहीं शामिल हो पाए क्योंकि 6 ही लोगों को इसमें शामिल होना है। अगर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? कुआलालंपुर मलेशिया में होगा, कुआलालंपुर मलेशिया में होगा। 1934 के लगभग में आई है दोस्तों, और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन अगर यहाँ पे बात करें दोस्तों तो यहीं पे नंदू नाटेकर जी ने पहला इंटरनेशनल अवार्ड जीता था कुआलालंपुर में, पहले अर्जुन पुरस्कार विजेता थे, उनका निधन हुआ है, तो वो भी बैडमिंटन से रिलेटेड थी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। ओके, तो देखिए आप देख सकते हैं यहां पे कि पॉल एरिक हॉयर जो है वो इसके प्रेसिडेंट हैं बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के, लेकिन उसके नहीं है, किसके, एथलीट कमीशन के जो है वो नहीं है। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए, हाल ही में ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? ब्रह्मोस दोस्तों मिसाइल जो है
ब्रह्मपुत्र नदी और मॉस्कोवा नदी के नाम पे बनी है। ब्रह्मपुत्र नदी इंडिया की है, मॉस्कोवा नदी रशिया की है। भारत और रशिया ने मिलकर ये मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलप की है दोस्तों, यानी रशिया ने हमारी मदद की है। अतुल दिनकर राणे, अतुल राणे जो है ये ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर जनरल चुने गए हैं। अतुल राणे डीआरडीओ के चीफ साइंटिस्ट हैं, अतुल राणे। ओके, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ही दोस्तों सारे एक्विजिशन को अप्रूवल देता है। जैसे अभी उसने फ्यूचर ग्रुप के अमेजॉन के डील को कैंसिल कर दिया, अमेजॉन के ऊपर डेटा चोरी करने का फैक्ट हाइड करने के ऊपर 202 करोड़ का जुर्माना भी लगाया। उसी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की बात चल रही है, किस संगठन द्वारा एयर इंडिया लिमिटेड, एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर इंडिया SATS में 50% शेयरों में 100% शेयर धारिता के अधिग्रहण को मंजूरी दी गई है। तो दोस्तों आपको पता है कि 18,000 करोड़ में टाटा ने एयर इंडिया का जो है अधिग्रहण वाला बिडिंग जीता था। और टाटा की कौन सी कंपनी है टाटा सन्स की जो इसको अधिग्रहित कर रही है, तो वह है टेलेस प्राइवेट। टेलेस जो है टाटा की कंपनी है जो यहां पे कर रही है। ओके, याद रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया। कभी ये इंडियन एयरलाइंस 1953 के पहले टाटा एयरलाइंस ही था। जमशेद जी टाटा देश के पहले जो है पायलट भी हुआ करते थे, और एयर इंडिया जब ये बनी थी तो पहले अध्यक्ष भी वही बने थे क्योंकि उन्हीं की कंपनी ही थी। तो शुरू में नेहरू जी ने उनको जो है कि शांत रखने के लिए उन्हीं को अध्यक्ष बना दिया था, बहुत मन से काम भी करते, फिर धीरे से नेहरू जी ने हटा दिया। दोस्तों टाटा सन्स का एक पार्ट है टेलेस, एन चंद्रशेखरन इसके टाटा सन्स के इस समय हेड है, एन चंद्रशेखरन हेड है। ओके, क्लियर है, याद रहेगा। चलो बहुत बढ़िया। टाटा की बात करें तो जमशेद जी टाटा है वो सदी के सबसे बड़े फिलंथ्रोपिस्ट हैं, सबसे बड़े दानवीर हैं। टाटा स्टील के जो जमशेदपुर वाला प्लांट है वहाँ पे क्या कहते हैं CO2 कैप्चर संयंत्र भी लगा है। टाटा की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों आसाम का वैभव अवार्ड रतन टाटा को दिया गया है, आसाम वैभव अवार्ड। ओके, याद रहेगा। चलिए, टाटा की जितनी बात की जाए कम है दोस्तों, ज्यादा बात नहीं करेंगे हम लोग टाटा की। विच बैंक रिसेंटली एक्वायर्ड माइनॉरिटी स्टेक इन JSW सीमेंट फॉर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹100 करोड़ थ्रू कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रिफरेंशियल शेयर। दोस्तों माइनॉरिटी शेयर्स 100 करोड़ रुपए का निवेश किस बैंक ने JSW सीमेंट कंपनी में कर दिया है। JSW सीमेंट में 100 करोड़ रुपए का निवेश स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया है, बहुत बड़ी खबर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने JSW सीमेंट में किया। JSW सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री जी हैं, ये भी हम लोग को याद रखना होगा। ओके, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं यहां पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी जमशेदपुर की फुटबॉल टीम को भी स्पॉन्सर किया था, है ना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने डल झील पे अभी एक फ्लोटिंग ATM भी लॉन्च किया था। उस कंपनी का नाम बताइए जिसने हाल ही में इंडियन गैस एक्सचेंज लिमिटेड में 4.93% इक्विटी शेयर हासिल किया है। तो इंडियन गैस एक्सचेंज में दोस्तों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 4.93% की इक्विटी शेयर हासिल कर लिए हैं। ओके, तो दोस्तों ये भी एक बड़ी खबर है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्री और SBI के बाद तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाली। अगर सरकारी कंपनियों में देखा जाए तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पहले नंबर पे, PSU में SBI पहले नंबर पे, और रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है ये प्राइवेट में पहले नंबर पे, ओवरऑल में भी पहले नंबर पे। इनकी वर्ल्ड रैंकिंग आप लोग बताइए, वर्ल्ड रैंकिंग रेवेन्यू में रिलायंस, SBI और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की क्या है। इसकी 155 थी, इसकी शायद 205 कुछ थी, इसकी 214-15 में कुछ थी। अब ये तुम लोग एग्जैक्ट बताओ देख के जरा, ठीक है। ये क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है, रैंकिंग में नंबर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ₹10 के भाव से दोस्तों ये सारे जो है
शेयर्स लिए गए हैं, ओके 4.93% शेयर लिए गए। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बात करें, न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर है, श्रीकांत माधव वैद्य ये इसके हेड है। दोस्तों ऐसे याद आया, एक 11वीं महारत्न कंपनी बनी है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था। महारत्न कंपनी 11वीं कौन सी बनी है? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन बनी है, ओके क्लियर है, याद रहेगा। सीसीआई ने ब्रिक लेयर्स इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर की कितने परसेंट इक्विटी शेयर पूंजी के अधिग्रहण को मंजूरी दी? फिर कैपिटल कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया आ गया, यही अधिग्रहण को मंजूरी ही दे रहा है भाई साहब। तो इसने आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर में दोस्तों यहां पे अगर देखा जाए 16.94% पूंजी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है, किसको? ब्रिकलेयर इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड को, ठीक है। छात्रों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने यूनिवर्सिटी कॉलेज बर्मिंघम के साथ एक एमओयू पर साइन किया है? तो दोस्तों यहां जम्मू कश्मीर की ये है, इन्होंने जो है शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के साथ जो है यहाँ पे टाई अप किया है, जम्मू कश्मीर ने किया है, ठीक है। किसने किया? जम्मू कश्मीर ने किया है। ताज दुबई में ये प्रोग्राम आयोजित हुआ था इंडिया ग्लोबल फोरम में, जहाँ पे ये जो है टाई अप हुआ है जम्मू कश्मीर के साथ। जम्मू कश्मीर को यूएई ने भी दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का वादा किया है, जम्मू कश्मीर को थोड़ा सा इन देशों की मदद की ज़रूरत भी है, ओके थोड़ा पढ़ाई को भी आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो अलगाववादी ताकतें हैं वो सबसे पहला काम करते हैं कि बच्चों को पढ़ने मत दो, ताकि वो दिमाग विकसित ना हो उनका। पहले सबसे पहले आप देखो अलगाववादी जब वहाँ बहुत एक्टिव हुए थे तो वहाँ पे स्कूल जलाए गए थे पूरे। अब कश्मीरी लोगों को बेचारे मासूम हैं, नादान हैं, जो भी कह लो कि स्कूल उनका जलाया जा रहा है, और वो जय 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 अलगाववाद जय जय पाकिस्तान कर रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे, मार रहे थे। वो तो कहे सीडीएस बिपिन सिंह रावत का कि लगाम लगा दी उनके ऊपर, वरना सीज फायर उल्लंघन भी पाकिस्तान की तरफ से बहुत होता था, अब करके देख लो। दोस्तों विच स्टेट लॉन्च द टी शेप्ड लॉन्ग ब्रिज नेम्ड टी सेतु ओवर द महानदी रिवर? किस राज्य ने महानदी पर टी शेप का एक टी सेतु लॉन्च किया है? दोस्तों ये बहुत भाई टी शेप का एक इतना बड़ा ब्रिज बनाना बहुत मुश्किल है भाई। एक सीधा ब्रिज बनाना ये तो आसान है, लेकिन एक ऐसा ब्रिज की टी शेप में बना दिया जाए तो तीन शहर जुड़ जाएंगे ना आपस में। अब महानदी पर ही दोस्तों उड़ीसा में है महानदी, जहां पे हीराकुंड डैम है महानदी पर, जो दुनिया का सबसे बड़ा डैम है, वर्ल्ड्स क्या कहते हैं लॉन्गेस्ट डैम है ये हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम ओके वेरी गुड। चलिए तो ये उड़ीसा में शुरू हुआ, उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक जी। अभी ये बताओ जगन्नाथ यात्रा कहाँ की निकाली गई, जहाँ जगन्नाथ यात्रा को जो है कि वो क्या किया गया राजकीय जो है उत्सव या महत्व का दर्जा दिया गया था, कहाँ पे ये बता सकते हो? रथ यात्रा के मेले को जगन्नाथ बलभद्र जी सुभद्रा जी वाले। दोस्तों वेनिस नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेटेड, राष्ट्रीय मैथमेटिक्स डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 22 दिसंबर को मनाया जाता है, रामानुजन जी का बर्थडे माना जाता है दोस्तों। 1887 में ये आए थे, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे दोस्तों। रामानुजन जी के बर्थडे पर हम लोग मनाते हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे, नेशनल मैथमेटिक्स डे। दोस्तों रामानुजन जी के बर्थडे से लेकर के सुशासन दिवस पूरा जो है कि 25 दिसंबर तक ये फेस्टिवल भी मनाया जाता है, ओके। पुष्कर फेयर जम्मू कश्मीर में हुआ था और ये पंजाब में हुआ था, वेरी गुड। मैथ्स में नीना गुप्ता जी को प्राइज मिला है, वेरी गुड। निखिल श्रीवास्तव को इंटरनेशनल प्राइज मिला है, वेरी गुड। आज किसान दिवस है, शिवानी बता रही है, वेरी गुड। आज किसान दिवस है तो किसान दिवस
आज है तो वो किसके बर्थडे पर मनाया जाता है किसान दिवस, ये तो बता दो। विच टीम वॉन द ब्रॉन्ज मेडल एट द एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी, एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में किस टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता दोस्तों? तो इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है हॉकी के एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में, जो कि ढाका में आयोजित हुई थी, वहां पे ब्रॉन्ज मेडल जीता, यानी थर्ड प्लेस इंडिया ने, और अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को हरा के जीतना, ये बहुत मजे की बात होती है, ये बहुत मजे की बात होती है। 25 दिसंबर सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे, अटल जी का बर्थडे। 23 तारीख आज है किसान दिवस, चौधरी चरण सिंह का बर्थडे। अनुराग ने बिल्कुल सही जवाब दिया, लेकिन बड़ा शॉर्ट में दिया, लोगों को समझ में नहीं आएगा। चौधरी चरण सिंह जी, जो कि किसानों के नेता माने जाते हैं, उन्हें दिया गया, उनके बर्थडे पर किसान दिवस मनाते हैं। और आज से ठीक 1 महीने आगे चले जाओ, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे है, पराक्रम दिवस। ये क्वेश्चन अभी एसएससी में पूछा गया था। विश्व नंबर वन एक जो है टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में नंबर एक क्रिकेटर कौन चुन लिए गए? आईसीसी मेंस टेस्ट बैट्समैन रैंकिंग में यहां पे मार्नस लैम्बस, क्या नाम है जी इनका, मार्नस लाबुश चगने, आईसीसी ऑस्ट्रेलिया के हैं भाई साहब, मार्नस ही याद रखो, क्या आगे वाला याद करने की क्या जरूरत है। पुरुष टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज बन गए, इंग्लैंड के जो रूट को उन्होंने दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया है, ठीक है। तो मार्नस ऑस्ट्रेलिया के हैं, ये वर्ल्ड के नंबर वन टेस्ट बल्लेबाज बन गए। आईसीसी टेस्ट बल्लेबाज रैंकिंग में सबसे टॉप पे कौन सा भारतीय है? तो रोहित शर्मा है दोस्तों, ये 5वें नंबर पे आ गए हैं, हाईएस्ट रैंक्ड ओपनर, हाईएस्ट रैंक्ड इंडियन बैट्समैन यहां पे टेस्ट रैंकिंग में इस समय ये हैं। इन्होंने विराट कोहली को पीछे कर दिया, विराट कोहली 6वें स्थान से 7वें पे खिसक गए और 5वें पे रोहित शर्मा जी टेस्ट में आ गए हैं, जबकि टेस्ट के कैप्टन विराट कोहली जी हैं, ठीक है। आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में बेस्ट रैंकिंग वाला गेंदबाज कौन है? आईसीसी टेस्ट की रैंकिंग आई है, बॉलिंग में किसने बेस्ट किया? पैट कमिंस। पैट कमिंस दोस्तों ये जो है ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट के क्या है, कैप्टन है, ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट कप्तान पैट कमिंस जो है बॉलिंग के रैंकिंग में सबसे आगे हैं। और इंडियन में देखा जाए तो टॉप 10 में एकमात्र एक गेंदबाज है, आर अश्विन, जो बेचारे जिनको जो है रवि शास्त्री बहुत परेशान किए थे और इनको जो है टीम से बाहर भी करके वहां बैठाया जाता था, बेंच पे बैठाया जाता था, ऐसी सब हरकत की जाती थी। और पूरे T20 में भी ये हरकत की गई थी, वर्ल्ड उसकी सजा उन लोग को मिल गई है, जो लोग उसके जो है कि गुनाहगार थे, उन लोग का नाम नहीं लेंगे वरना कुछ अंधभक्त होंगे वो भड़क जाएंगे, है ना, उन लोगों के साथ सजा उचित दे दी गई है उनको। वो विल बी द सीईओ ऑफ द न्यू कंपनी आफ्टर द मर्जर ऑफ सोनी एंड जी, तो सोनी और जी के विलय हुआ दोस्तों, सोनी के पास मेजोरिटी शेयर है, जी के पास माइनॉरिटी शेयर है, कंपनी का सीईओ जो है वो है पुनीत गोयनका। ठीक है, क्लियर है, याद रखो, पुनीत गोयनका यहां पे सीईओ बन गए हैं, ठीक है, पुनीत गोयनका। किस राज्य को अपना पहला शिक्षक यूनिवर्सिटी मिल गया दोस्तों? टीचर यूनिवर्सिटी कौन बना रहा है? दिल्ली बना रही है दोस्तों। दिल्ली की एजुकेशन व्यवस्था देश की टॉप एजुकेशन व्यवस्था है, मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री हैं। बड़े बड़े अब लोग जो कि प्राइवेट स्कूल में नाम लिखवाते थे बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए, सरकारी एक टीचर भी प्राइवेट में पढ़वाता था अपने बच्चों को, आज प्राइवेट वाले सरकारी में जा रहे हैं और वहां पढ़ा रहे हैं। ये एजुकेशन सिस्टम को बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया। अभी डोनाल्ड ट्रंप, उनकी वाइफ और ये लोग आए थे तो उनको दिल्ली का ही स्कूल दिखाया गया था। तो दोस्तों इन्होंने शिक्षकों को ट्रेनिंग दी है विदेशों में कि जाओ और देखो कैसे पढ़ाई जाती है, कैसे क्या क्या चीजें इनोवेटिव। अब ये टीचर्स यूनिवर्सिटी ही ओपन कर रहे हैं, अभी इन्होंने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी ओपन किया था। बेस्ट टीचर्स होने बहुत जरूरी है देश में, जिस देश में टीचर का सम्मान होता है जिस जगह पे, वहां पे उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अरविंद केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई कहने में वो नहीं है। धीरे धीरे नौसिखिया रहे हैं और धीरे धीरे परिपक्वता की तरफ बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे काम और शासन चलाना और क्या क्या कहाँ काम करना है, मूलभूत चीजों पर बहुत अच्छा काम किया, शिक्षा, स्वास्थ्य, मोहल्ला क्लिनिक बनाना,
बिजली पानी सब कुछ दिया, मतलब मैं इतने दिन दिल्ली में रहा, एसी चलती थी हमारे घर पे, गीज़र चलता था, सब कुछ चलता था, कभी एक रुपए का बिजली का बिल नहीं आया। दोस्तों भारतीय नौसेना के स्वदेशी स्टिल्थ विध्वंसक का क्या नाम है जिसका पहला समुद्री परीक्षण हाल में किया गया? व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन नेवीज इंडिजीनियस स्टिल्थ डिस्ट्रॉयर व्हिच मेडन सी ट्रायल्स वॉज कंडक्टेड रिसेंटली? तो दोस्तों ये जो है स्वदेशी स्टिल्थ विध्वंसक का नाम INS मुरमुगाव है। गोवा के तट के नाम पे इसका नाम मुरमुगाव रखा गया, जिसे मजगांव शिप बिल्डर्स ने बनाया है। ठीक है, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने इसे बनाया है। दोस्तों ये स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर जो है ये 2020-22 के मध्य में भारत की नौसेना को मिलेगा और उसकी कैपेसिटी को बढ़ाएगा, उसकी कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा। सर कहाँ होता है? सर मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ वहाँ बच्चे हमें ही डराते हैं, बिहार में, पतिराम कह रहे हैं। देखो मैं बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, दिल्ली की बात कर रहा हूँ कि जहाँ टीचर का सम्मान होता है वहाँ पे आगे बढ़ते। बिहार के पतन का कारण ही यही है। मैंने बिहार की बात ही नहीं की, मैंने कहा जिस राज्य में टीचर का सम्मान हो रहा है वहाँ पे। देखो पुराने ज़माने में महाराजा भी अपने गुरु को देखते ही सिंहासन से उतर के नीचे बैठ जाता था। एक गुरु थे, वो जो है राजा उनसे ज्ञान ले रहे थे और वो सिंहासन पे बैठ के अपना ज्ञान सुन रहे थे, तो बोले मैं तो तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं लेकिन क्या तुम्हें मिल रहा है? तो बोले कि नहीं मुझे तो मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा हो? अच्छा चलो तुम मुझे कुछ दो, चलो ये जो है तुम मुझे घड़ी ही दो। ठीक है, तो घड़ी दे रहे हो तो लेने वाले का हाथ कहां होगा? नीचे होगा ना, देने वाले का हाथ ऊपर होगा, तो देने वाले का स्थान ऊपर होना चाहिए। तो वो समझ गया, तो तुरंत ही राज सिंहासन से नीचे उतर गया राजा। कह रहे गुरुजी माफ कर दीजिए। तो हमेशा ऐसा है कि ये कोई जरूरी नहीं कि टीचर को सम्मान दो, माँ बाप को सम्मान दो तो वहां से कुछ बेनिफिट, ये ऊपर वाला बेनिफिट देता है। माँ बाप और गुरु आपको जो दे रहे हैं वो ऊपर वाला दिलवा रहा है, वो माध्यम तो ऊपर वाला है ना, तो आप एक तरीके से ऊपर वाले की रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि जो भी हमें कुछ देता है हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, हम नदी की रिस्पेक्ट करेंगे, हम धरती माँ की रिस्पेक्ट करेंगे। हमारे संस्कृति में यही सिखाया गया हमें, हमारे यहां बोला गया कि जैसा भक्त वैसा भगवान। अगर भक्त जो है वो पहलवान है तो भगवान हनुमान है, तो इसलिए आपको जैसी नियत वैसी बरकत। बाअदब क्या कहते हैं, बेअदब बदनसीब, बाअदब बानसीब। कौन है बदनसीब? बदनसीब कोई वो नहीं है जिसका राहु केतु और शनि और मंगल और साने साथी लगी हुई है। बदनसीब वही है जो बेअदब है, जो इज्जत नहीं करता, जो रिस्पेक्ट नहीं करता माँ बाप और गुरु की। एक बार माँ बाप और की आप आशीर्वाद लेना शुरू करो, आपको लगेगा वो मत लो कि माँ बाप तुम्हें जो है कि बड़े खुश होंगे। तुम अपने लिए करो, स्वार्थी हो तो माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, स्वार्थी हो ना तुम, तो स्वार्थी हो तो माँ बाप की पैर छूना शुरू करो, रिस्पेक्ट करना शुरू करो, देखो तुम्हारे बिगड़े हुए काम ना बनने लगे। भगवान का पैर नहीं छू सकते यार, भगवान का कहाँ पत्थर का पैर छू रहे हो? वो पत्थर का पैर छूने से जो है कि तुमको जो है कि तुम्हारी इच्छा पूरी होगी? जो जीवित भगवान है उनको तुम ध्यान ही नहीं दे रहे हो। भगवान का सबसे बड़ा रूप तुम्हारे लिए माँ बाप है, जिन्होंने तुम्हें खाली दिया है, तुमसे कुछ पाते नहीं है ना तुमसे कुछ पाना चाहते हैं तुम्हें, और अपने ज़्यादा तरक्की देख करके उनका सीना गौरवान्वित होता है। और कोई है क्या जो तुमसे ज्यादा और उनसे ज्यादा तरक्की कर जाओ वो आदमी खुश हो जाए? तुम्हारा जो बेस्ट फ्रेंड भी होगा, वो कहा जाता है ना कि आप टॉप आ जाओ तो वो दुखी ज्यादा हो जाता है। उस समय माँ बाप को हम लोग एक्चुअली में इसलिए भी इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते क्योंकि उन्होंने हमसे कुछ डिमांड नहीं किया। जैसे भाई बहन नाराज हो जाएंगे कि तुम हमको यार ये नहीं दिए,
दोस्त नाराज हो जाएगा, गर्लफ्रेंड नाराज हो जाएगी कि फोन काट दिए तुम, मेरा बिजी थे और फोन नहीं उठाया, मैं 4 मिस्ड कॉल है। तो आप डरते हो वहां पे, वहां गिव एंड टेक चलता है क्योंकि, लेकिन माँ बाप के रिश्ते में गिव एंड टेक नहीं चलता, तो उनकी हम इज्जत नहीं करते, वैल्यू नहीं कर पाते, वैल्यू नहीं करते। बीवी आती है तो उसी कष्ट को समझते हैं कि बीवी खाना बना रही है, बड़ा तकलीफ है, नौकर लगा दे। बच्चे को भी संभाल, माँ को कभी हमने ये ध्यान दिया कि उस बेचारी खाना बना रही है, रात को आ रहे हैं हम, तो हम जो है कि वहां पे नौकर लगवा दें? माँ के लिए नहीं ये ध्यान आया, माँ का क्या कष्ट है ये नहीं ध्यान आया। तो दोस्तों खैर छोड़ो, आगे आगे आ जाओ, बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया तुम लोग का और बहुत लंबा सेशन है हम लोग का। दोस्तों बहुत लंबा सेशन है, आइए, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो दोस्तों यहाँ पे किदाम्बी श्रीकांत भैया विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल पहुंचे, बदनसीबी से भाई साहब हार गए, बदनसीबी से वो हार गए। किससे हार गए? सिंगापुर के जो है लो किन यू से हार गए, लेकिन चलो सिल्वर पदक भी पाने वाले पहले इंडियन बन गए, पहले इंडियन बन गए। क्लियर है बात, समझ में आ रही है? चलो, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहले निजी यात्री युसाकू मेजावा को लॉन्च किया था? विच स्पेस एजेंसी हैड लॉन्च्ड युसाकू मेजावा द फर्स्ट प्राइवेट पैसेंजर टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रिसेंटली? तो दोस्तों यहां पे निजी यात्री को भेज दिया इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में, जेब बेजोस तो थोड़ा दूर ले जा रहे, 4 मिनट में वापस ले आ रहे हैं, रिचर्ड ब्रेंसन भी ले जा रहे, थोड़ा सा दूर ले जाके वापस ले आ रहे हैं, समझ गए? लेकिन ये जो है रशिया वाले जो है ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लेके चले गए, और भैया ये एक से एक द चैलेंज मूवी वालों को भेज दिए शूटिंग करके आओ। रशिया तो जैसे हंसी खेल बना, हमारे 4 साल से तैयारी चल रही गगनयान की, और रशिया अगर सच्चे मायने में दोस्त होता अभी तक भेज दिया होता, लेकिन अमेरिका से मैं नजदीकी, वैसे रशिया हमसे नाराज है। अनुराग कह रहे सर आज तो सबका इनलाइटमेंट हो गया। नहीं सोचो ना, कभी करके देखो, करके देखो, देखो उसका फायदा होगा, हो सकता सरकारी नौकरी में रिजल्ट आए चाहे ना आए, लेकिन दुनिया में ऐसे द्वार खुल जाएंगे तुम्हारे लिए कामयाबी के कि तुमने सोचा नहीं होगा, ऐसे ऐसे द्वार खुल जाएंगे, समझ रहे हो कि नहीं? उनका दिल बस खुश करो। तो दोस्तों अभी आपने देखा था कि दुनिया के सबसे अधिक उम्र का अंतरिक्ष यात्री विलियम सेटनर कनाडा के, उनको जेफ बेजोस ने की ब्लू ओरिजिन कंपनी ने भेजा था, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, न्यू सेफर्ड रॉकेट है उनका। अब यहाँ जापानी अरबपति युसाकू मेजावा है, ये भी याद रखिएगा कि ये कहाँ के हैं, जापान के हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जापान के हैं अरबपति युसाकू मेजावा, इनको रूसी अंतरिक्ष एजेंसी ने भेजा है, रोस्कोस्मोस ने, ठीक है। ये अंतरिक्ष यान में इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में जाने वाले पहले प्राइवेट आदमी हैं, 12 दिन बिताने के बाद धरती पर लौट आए हैं। 12 दिन वो लोग भी बिताए थे जो कि वहां गए थे, हमें लगता है 12 दिन का इन लोगों का कुछ क्राइटेरिया होता होगा। प्रदीप कुमार कह रहे सर शिवानी पतिराम जैसे लोग तो महारथी बन चुके हैं जीके में, तो कोई क्वेश्चन आ रहा है झट से आंसर कर देते हैं। ये लोग महारथी बन गए हैं क्योंकि ये रेगुलर हैं, ये शब्द याद रखो, रेगुलर रहोगे पागल बनना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा सा रेगुलर, थोड़ा सा समय का जो है तिलांजलि देना पड़ेगा, और ये जिंदगी में तुम्हें एक वो ऊपर ले, 10 दिन क्लास कर लो रेगुलर, तुम्हें खुद अपने आप में इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा। रेगुलर व्यक्ति ही दोस्तों सिलेक्शन लेता है, जो व्यक्ति सोचता है प्री निकलने के बाद आएंगे फिर वही रोता है कि अरे सर नहीं आया, सर नहीं आया, सर नहीं आया, वहीं पे 2 आदमी वो भी हंस रहा है मेरा आ गया, मेरा आ गया, क्यों? वो रेगुलर था चारों सेशन में। 20 से 25 दिसंबर तक का सप्ताह भारत में किस रूप में मनाया जाएगा? तो दोस्तों ये गुड गवर्नेंस वीक मनाया जाएगा, सुशासन दिवस हम लोग 25 दिसंबर को अटल जी के बर्थडे पर मनाते हैं, तो 20 से 25 तारीख तक सुशासन वीक मनाया जा रहा है। प्रशासन गांव की ओर नामक एक कैंपेन भी शुरू किया गया है, इसी आजादी के अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन के पार्ट के रूप में, सुशासन वीक के जो है पार्ट के रूप में। आजादी का अमृत महोत्सव 12 मार्च को शुरू हुआ था दोस्तों,
दांडी मार्च के वर्षगांठ वाले दिन भारत में रिवर उत्सव, रिवर फेस्टिवल, नदी उत्सव दोस्तों मनाया गया। कितने सब्जेक्ट हैं इसके? तो दोस्तों चार सब्जेक्ट है, चार जो है इसकी थीम है। नदी उत्सव मनाया जा रहा है। मोदी जी ने मन की बात में कहा था कि नदियों को सम्मान दीजिए। देखिए नदी उत्सव भी मना, नदियों को सम्मान देने की प्रक्रिया, नदी को सम्मान देंगे तो उसे स्वच्छ रखेंगे, हर तरीके से इंपॉर्टेंट है। चार तरीके से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों? क्लीनलीनेस अगर होगा ये थीम तो आप स्वच्छ रखोगे तो आपको पीने योग्य पानी मिलेगा। देशभक्ति की भावना, नदी से ही सब जुड़े हैं जितनी भी सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो भी आज आबादी वाले क्षेत्र हैं, यूपी, उत्तराखंड, बिहार और बंगाल, सबसे ज्यादा आबादी यही है। क्यों? गंगा यमुना यही बह रही है। गंगा का जो ये किनारा है, हम देश यानी गंगा किनारे रहने वाले लोग दोस्तों, तो देशभक्ति की भावना भी नदी से ही है। नेचर और इकोलॉजी भी दोस्तों सारा जो है कि आपका जीवन का आधार नदी है। क्यों नदी के किनारे लोग बसते हैं? ताकि हमें खेती करने को मिल जाए, हमारे पशुओं को पानी मिल जाए, हमें पानी मिल जाए। पानी ही जीवन का आधार है दोस्तों। और डिवोशन और स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि इसी के किनारे आप सारी जो है पूजा पाठ अपना छठ पूजा से लेकर के आप जो है लोलारक पूजा से लेकर के बहुत सारे जो है कुंभ स्नान और पूर्णिमा स्नान और मकर संक्रांति स्नान सब इसी के किनारे करते हैं। तो ये अर्घ देते हैं, सूर्य को अर्घ देते हैं, नदी को अर्घ देते हैं और सारे मंदिर इसी के किनारे बनाए जाते हैं, नदियों के किनारे। तो स्पिरिचुअलिटी और डिवोशन ये चार सब्जेक्ट पर 16 से 23 दिसंबर के बीच में, 16 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच में रिवर फेस्टिवल मनाया जा रहा है। ठीक है, क्लियर है। एक बार नदी उत्सव मनाने की बात भी कही थी प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में। दोस्तों प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड इस बार स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को मिला है। लगभग हर ही बार मिल जाता है इसको, स्टील के क्षेत्र में ही दिया जाता है ये, और सेल को मिल गया है। लगातार 3 सालों से मिल रहा है इसको, तो कुछ पुराना भी याद रहेगा तो भी मार दोगे। सेल के हेड है सोमा मंडल इसकी हेड है, स्कोप की भी हेड है। इंडिया हैज won 16 मेडल इन कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप, 16 मेडल जीता है राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में इंडिया ने। ये आयोजन कहाँ हुआ था? ये आयोजन तजाकिस्तान की उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद में हुआ था। सोम यहाँ की करेंसी है। लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन यहाँ हुआ था, इंडिया पाकिस्तान वॉर का समझौता कराने गए थे। राष्ट्रमंडल देश किसे कहते हैं? कॉमनवेल्थ नेशन का मुख्यालय लंदन में है। जो गुलाम देश होते हैं ब्रिटेन के, जो गुलाम देश थे, कॉलोनीज थी आजादी के पहले, उन्हें कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है। उज्बेकिस्तान भी दोस्तों पहले रशिया का पार्ट हुआ करता था। उज्बेकिस्तान के समरकंद में अगले बार संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होगी। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में 3 नए जिले यानी कि सेमिन्यू, न्यूलैंड और चुमो केदिमा जो है 3 नए जिले कहां पे बने हैं? तो दोस्तों यहां पे 3 नए जिले नागालैंड में बने हैं। नागालैंड के नेफ्यू रियो, नागालैंड के जगदीश मुखी राज्यपाल, नागालैंड अमूर फाल्कनबाज का वर्ल्ड कैपिटल, इंडिया टूरिज्म मार्ट यहाँ पे ओपन हुआ है, हॉर्नबिल त्यौहार यहाँ पे मनाया जाता है। -0.6% यहाँ की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। ओके, अभी दोस्तों छत्तीसगढ़ में भी कितने जिले ऐड हुए हैं? छत्तीसगढ़ में कितने जिले ऐड हुए हैं बता सकते हैं दोस्तों? यहाँ 12 जिले थे, 3 ऐड हुए तो 15 जिले हो गए ना, 15 जिले हो गए। ओके दोस्तों 2020-21 में इंडिया हैज रजिस्टर्ड द हाईएस्ट एवर एनुअल फॉरेन एफडीआई इनफ्लो। भारत ने अभी तक का हाईएस्ट एफडीआई इनफ्लो दर्ज किया है। कितना एफडीआई इनफ्लो आया है? 81.97 बिलियन US डॉलर का एफडीआई आया। एफडीआई सबसे ज्यादा कहाँ से आता है? हमारा सिंगापुर से आता है। और सबसे ज्यादा जाता कहाँ पे है? कर्नाटका में पहुंचता है एफडीआई। कल मैंने फॉरेन ट्रेड पढ़ाया था आप लोगों को, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, करेंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, एफडीआई, एफआईआई, बहुत सारे टर्म्स आप लोगों को कल मैंने फॉरेन ट्रेड के पढ़ाए थे, अगर आपको याद हो, कल शाम को 7 बजे ऐप पर। मैं रोज बैंकिंग का कोई ना कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ, बेसिक से लेके चल रहा हूँ। जैसे आज मैं कैपिटल मार्केट पढ़ाने का सोच रहा हूँ आप लोगों को। ओके, क्लियर है। चलिए तो दोस्तों
एफडीआई की बात करें तो इंश्योरेंस में 74% एफडीआई की गई, टेलीकॉम में अभी हाल ही में 100% एफडीआई की गई है। सिंगापुर और यूपीआई का टाई अप भी हुआ है, पे नाउ से बिल्कुल हुआ है, सिंगापुर के साथ हुआ है, और यूपीआई का टाई अप हमारा भूटान के साथ भी हुआ है। ठीक है, बिल्कुल। तो दोस्तों यहां पे एफडीआई प्रवाह लास्ट 7 ईयर में 440 बिलियन US डॉलर का है, जो कि लास्ट 21 साल का 58% अकेले 7 साल में एफडीआई आया है। ठीक है, हाल ही में एम्मा रद्दा रादू कोनू को 2021 के लिए बीबीसी की स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से के रूप में चुना गया है। वह किस खेल से जुड़ी हैं दोस्तों? एम्मा रद्दा कोनू ये ब्रिटेन की है दोस्तों, ये इंग्लैंड की पहली महिला है जिन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता था, यूएस ओपन वाला ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीता था। 17-18 साल की पहली बार पहुंची और जीत के निकल ली इंग्लैंड में। इतने साल में आज तक कोई महिला नहीं जीती थी ग्रैंड स्लैम, तो ये भाई साहब जीत के एक रिकॉर्ड बना दी है, और इसी वजह से इन्हें बीबीसी, यानी बीबीसी मतलब ब्रिटेन, बीबीसी मतलब क्या, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, ऐसा ही है। तो स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर तो उन्हीं को चुना ही जाएगा। ब्रिटेन के लिए गर्व का पल लेके आई ये, टेनिस खिलाड़ी हैं, ग्रैंड स्लैम जीती हैं, तो भैया इन्हें तो अवार्ड मिलना ही मिलना है। बहुत छोटी उम्र की हैं, क्लियर है, याद रखिएगा। क्रिमिनल मैटर पे पोलैंड के साथ टाई अप हुआ है, वेरी गुड रामकृष्ण जी। शिवानी बोल रही है लेला फर्नांडिस और रशिया को हराया, वेरी गुड। दोस्तों इसके बाद आगे आते हैं और बात करते हैं यूलिप हैकाथॉन की, लॉजिस्टिक पर ये यूलिप हैकाथॉन हुआ है। यहां पर ये किसके द्वारा किया गया? अटल इनोवेशन मिशन, जो नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन है उसके द्वारा। यूलिप को यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान मत समझ लेना, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान वो इंश्योरेंस सेक्टर में म्यूचुअल फंड की तरह एक इंश्योरेंस प्लान होता है, जिसमें कि मार्केट रिस्क भी होता है, ग्रोथ भी होता है और इंश्योरेंस कवर भी होता है, यानी म्यूचुअल फंड को जोड़ दो टर्म इंश्योरेंस में तो यूलिप बन जाए, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। ये वो नहीं है, ये यूलिप हैकाथॉन है, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, ये है यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म है। ठीक है, लॉजिस्टिक्स इसका नाम दिया गया है। ओके, पीएम गति शक्ति को जो है तेजी देने के लिए भी ये मिशन है कि लॉजिस्टिक को कैसे हम फास्ट करें। ओके दोस्तों, इस मिशन को जो सपोर्ट किया गया नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया है। ठीक है, और नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लॉजिस्टिक डेटा बैंक सर्विसेज के द्वारा भी किया गया। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हमारे देश में 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं और 2 डिफेंस कॉरिडोर हैं जो केंद्र सरकार के हैं, जो जोड़े जाएंगे गति शक्ति मास्टर प्लान में, जो 100 लाख करोड़ का है, और इसमें 16 मंत्रालय भी जो है जोड़े जाएंगे। ठीक है, 2002 के गोधरा दंगे, 1984 के सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए जो 2 आयोग बने थे, उसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस कौन थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया? तो गोधरा दंगा हुआ था 2002 में, जिसे मोदी जी बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गए थे दोस्तों। इसके बाद 1984 में सिख विरोधी दंगा हुआ था, जिसमें राजीव गांधी जी बहुत हाईलाइट हो गए थे, जगदीश टाइटलर बहुत हाईलाइट हो गए थे। तो दोस्तों यहाँ पे नानावती आयोग जो है, नानावती आयोग का नाम आपने बहुत सुना होगा, इन्होंने इन दोनों दंगों की जांच की थी, दोनों दंगों की जांच की थी नानावती आयोग ने, यहाँ पे याद रखेंगे। ओके, इनका निधन हो गया दोस्तों। आइए ताबड़तोड़ तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। हाल ही में किस संगठन ने 600 हॉर्स पावर स्वदेशी लड़ाकू विमान इंजन विकसित करने के लिए अशोक लेलैंड के साथ भागीदारी की है? तो अशोक लेलैंड के साथ भागीदारी डीआरडीओ ने की है 600 हॉर्स पावर स्वदेशी लड़ाकू वाहन इंजन डेवलप करने के लिए। किस कंपनी ने वीजा मास्टर कार्ड और रुपे नेटवर्क पर
कार्ड टोकन को शुरू करने वाला पहला भुगतान प्लेटफॉर्म बनाने के लिए टोकन समाधान सेफ कार्ड लॉन्च किया है। विच कंपनी लॉन्च सेफ कार्ड टोकनाइजेशन सॉल्यूशन टू बिकम द फर्स्ट पेमेंट प्लेटफॉर्म टू टोकनाइज कार्ड ऑन वीजा मास्टर कार्ड एंड रुपे नेटवर्क। तो ये किसने शुरू किया है दोस्तों, ये फोन पे ने शुरू किया है, ठीक है, समझ गए। सेफ कार्ड किसने लॉन्च किया है, फोन पे ने लॉन्च किया है। ओके, कार्ड को टोकन करने वाला ये प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, ठीक है। टोकनाइजेशन आ गया है ना, आजकल कार्ड की डिटेल देने की जरूरत नहीं है, आप उसकी जगह अलग से एक टोकन दो। तो यहां पे सेफ कार्ड लॉन्च किया है फोन पे ने। दोस्तों बैंकों के ये जो है कार्ड को टोकन देने वाला पहला पेमेंट प्लेटफॉर्म बना है फोन पे, ठीक है, पहला पेमेंट प्लेटफॉर्म बना है। बैंकों को क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए ईएमआई ऑफर देने वाला हाल ही में कौन सा बैंक है जिसने पाइन लैब्स के साथ टाई अप किया है। पाइन लैब्स के साथ टाई अप किया है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने पाइन लैब्स के साथ टाई अप किया है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, जयपुर में है ना, आमिर खान, कियारा आडवाणी इसके ब्रांड एम्बेसडर है, वही है ना, क्यों। उस बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में रक्षा वेतन पैकेज योजना यानी कि डिफेंस के लोगों को सैलरी पैकेज स्कीम आर्मी पर्सोनल्स को देने के लिए जो है एक एमओयू साइन किया है। तो दोस्तों यहां पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रक्षा वेतन पैकेज योजना लॉन्च की है, ठीक है, डिफेंस सैलरी पैकेज आर्मी के लिए लॉन्च की है एसबीआई ने। एसबीआई ने नेवी में आईएनएस विक्रमादित्य पर एसबीआई ई नव कैश भी शुरू किया था, ठीक है। अब दोस्तों इस समझौते के तहत एसबीआई जो है कंप्लीमेंट्री पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर भी देगी, एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर भी देगी और परमानेंट डिसेबिलिटी कवर भी देगी। दोस्तों समझ गए, दोस्तों किस ऑर्गेनाइजेशन ने घोषणा की है कि वैश्विक ऋण यानी ग्लोबल डेप्ट बहुत रिकॉर्ड स्तर पे बढ़ गया 2020 में, 28% बढ़कर वैश्विक सरल घरेलू उत्पाद का 256% हो गया है। ये रिपोर्ट किसने दी है, ये रिपोर्ट दोस्तों यहां पर आईएमएफ ने दी है। क्या दिया है, आईएमएफ अनाउंस्ड दैट द ग्लोबल डेप्ट यानी कि जो पूरी दुनिया ने लोन लिया इस बार कोरोना की वजह से काम धाम ठप रहा है, तो दोस्तों कितने का लोन लिया है, $226 trillion 2020 में। ग्लोबल डेप्ट जो है यहां पे 256% ग्लोबल जीडीपी का हो गया है, ग्लोबल जीडीपी का 256% ग्लोबल डेप्ट हो गया है। 28% इस बार बढ़ा है, 28% इस बार बढ़ा है। यहां पे देख सकते हैं रिकवरी की बात हो रही है, ग्लोबल जीडीपी की बात हो रही है, आईएमएफ के यहां पे सारे लोग बैठे हुए हैं और यहां पे बातचीत चल रही है, ठीक है। तो दोस्तों यहां पे ये भी कहा गया है कि ये जो है 2001 साल का जो डेप्थ है कभी इतना ज्यादा डेप्थ आज तक नहीं लिया गया था, वर्ल्ड वॉर टू के बाद ये सबसे बड़ा कर्ज में दुनिया है, भारत की बात नहीं हो रही, पूरी दुनिया की बात हो रही है, ठीक है, याद रखेंगे। अकॉर्डिंग टू द आईएमएफ द पब्लिक डेप्ट रोज फ्रॉम 70% ऑफ जीडीपी इन 2007 टू 124% ऑफ जीडीपी इन 2020, जो 2007 में 70% जीडीपी का पब्लिक डेप्ट हुआ करता था वो आज जो है 2020 में 124% है। प्राइवेट डेप्ट रोज एट अ मॉडरेट पेस फ्रॉम 164% टू 178%, जबकि प्राइवेट डेप्ट उतना ज्यादा नहीं बढ़ा, 164% से 178% हुआ, ऑलरेडी ज्यादा था तो क्या क्या बढ़ेगा, बात समझ में आ रही है कि नहीं। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, दोस्तों इसी की बात हम लोग कर रहे थे कि पीएफसी जो है 11वीं महारत्न कंपनी बनी है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने ग्रीन सेल मोबिलिटी के साथ किस राज्य में 350
इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती के लिए 275 करोड़ रुपए उधार देने के लिए टाई अप किया। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ऐसे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए लोन देता है। 11वीं महारत्न कंपनी ये बना है, ग्रीन सेल मोबिलिटी को लोन दे रहा है। कहाँ पर दोस्तों इलेक्ट्रिक बसेस जो है कि बन रही हैं, तैनाती हो रही हैं? उत्तर प्रदेश में। ये देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में वाराणसी में मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में ये इलेक्ट्रिक बसेस आई हैं। 75 साल चल रहा है ना, तो 75 इलेक्ट्रिक बसेस यहाँ आई हैं, 100% इलेक्ट्रिक बस यहाँ आगे भी लिखा हुआ है दोस्तों। लेकिन यहाँ बनारस और कानपुर वाले बहुत दुखी हैं कि मसाला कहाँ थूकेंगे, पान कैसे थूकेंगे, पूरा शीशा बंद है, पूरा शीशा पैक है। वो इसको बोल रहे हैं कि हम इसका जो है नकारते हैं, हमको ऐसा बस नहीं चाहिए, हमको खिड़की खोलने का जो है ऑप्शन दीजिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो रही है इन लोगों को। आप समझ रहे हैं, जो कानपुर के ग्रीन पार्क में टेस्ट मैच में भी जो है मसाला लेके चले जा रहे हैं, जो मॉल में भी लेके चले जाते हैं और मल्टीप्लेक्स में भी, इतनी चेकिंग के बावजूद जो है मसाला जो है पान मसाला गुटखा कहीं ना कहीं जुगाड़ करके पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे उत्तर प्रदेश में यहाँ पे अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन है, ये फेम स्कीम के तहत जो है दोस्तों चलते हैं जो इलेक्ट्रिक बसेस है। फेम का भी फुल फॉर्म अगर एग्जाम में पूछ सकता है, पुरानी योजना है लेकिन एग्जाम में तो पुरानी योजना भी पूछ लेता है। जैसे एक्सपोर्टर्स के लिए एक निर्यात ऋण विकास योजना था, निर्वीक का फुल फॉर्म पूछ लिया था, निर्वीक, समझ रहे हैं। तो फेम योजना क्या है, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये फेम का फुल फॉर्म है। ओके, इसे याद रखिएगा। 275 करोड़ रुपए उधार मिल रहा है, 350 इलेक्ट्रिक बसेस। किस राज्य सरकार ने 2022 में ग्राम उजाला कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में 10 लाख एलईडी बल्ब वितरित करने की योजना बनाई है? तो ये दोस्तों आंध्र प्रदेश ने बनाई है। दोस्तों जो है उजाला योजना की बात करें, उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल, अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल, 10 रुपए में एलईडी बल्ब देने की ये योजना है दोस्तों। इसे 6 राज्यों में शुरू हुआ था, 6 स्टेट्स में शुरू हुआ था। आरा बिहार से इसे ग्राम उजाला योजना की शुरुआत हुई थी, जहां पावर मिनिस्टर आरके सिंह का क्या है संसदीय क्षेत्र है। आरा में शुरू हुआ, बिहार में, यूपी में, वाराणसी में शुरू हुआ, आंध्र प्रदेश में शायद विजयवाड़ा में शुरू हुआ, मुंबई में, महाराष्ट्र में, नागपुर में शुरू हुआ और वेस्टर्न गुजरात में शुरू हुआ। ऐसे ही 6 जगह शुरू हुआ था। ओके, क्लियर है, याद रहेगा। ये आरके सिंह जी हैं, ये आरा बिहार से सांसद है, यही हमारे रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर भी हैं और यही हमारे पावर मिनिस्टर भी, ऊर्जा मंत्री भी हैं। अंधकार से रोशनी की ओर, ग्राम उजाला योजना से 91% बिजली बचाई जाती है, क्योंकि जो 100 वाट का पुराना बल्ब होता था उससे जो रोशनी आती थी वो 9 वाट के एलईडी से आ जाती है, तो 91% बिजली बचती है। आज हम दुनिया के हाईएस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर्स में से हैं, तो हमें बिजली बचानी भी पड़ेगी। ओके, क्लियर है। आंध्र प्रदेश के एडवाइजर हैं, बिल्कुल आंध्र प्रदेश के एडवाइजर है रजनीश कुमार। पीरामल रियल्टी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पीरामल रियल्टी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में राहुल द्रविड़ जी थे, अभी फरहान अख्तर भी अपॉइंट हो गए हैं। पीरामल कंपनी जो हमको लगता है वो दवाई वाली कंपनी है, जिसका ईसा अंबानी से शादी हुआ है, आनंद पीरामल का, है ना? क्यों, वरना इतना पैसा कहां से आएगा? एडटेक प्लेटफॉर्म अड्डा 24/7 ने आईएएस की जो एजुकेशन देने वाला यूपीएससी फोकस्ड एजुकेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म स्टडी आईक्यू का अधिग्रहण कर लिया है। जो स्टडी आईक्यू गौरव गर्ग की जो है, जहां प्रशांत धवन इसे बर्निंग इश्यू पढ़ाते थे, उसे अड्डा 24/7 ने क्या कर लिया है, अधिग्रहण कर लिया है। कितने में? $20 मिलियन में, यानी 150 करोड़ रुपए में, समझ रहे हैं। अड्डा वाले बहुत पैसा जो है ये सब कोर्स बेच बेच के कमा रहे हैं, है कि नहीं? तो दोस्तों यहाँ पे ये भी हुआ है एडिटेक कंपनी में। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी भारत में BMW के मोटरसाइकिल ब्रांड के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल डेवलप करेगी? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी विल डेवलप इलेक्ट्रिक व्हीकल विथ BMW मोटरसाइकिल ब्रांड इन इंडिया? तो दोस्तों यहाँ TVS मोटर कंपनी भारत में BMW के मोटरसाइकिल ब्रांड के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल डेवलप करेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली जो वो है हाईवे है,
दिल्ली चंडीगढ़ है, इलेक्ट्रिक व्हीकल हाईवे जो है वो दिल्ली जयपुर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी जो है वो केवड़िया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर GST 5%, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन सबसे ऊंचा काजा में हिमाचल प्रदेश में बना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल और CNG के ही गाड़ियां दिल्ली में एंट्री कराई जा रही हैं, 1 जनवरी से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे 10 साल पुराने डीजल के जितने भी गाड़ियां हैं दिल्ली से डी रजिस्टर्ड कर दी जाएंगी, दिल्ली वालों को अब केवल डीजल गाड़ी बेचने का ही ऑप्शन है क्योंकि दिल्ली में वो डीजल गाड़ी चल नहीं सकती है, ठीक है, 10 साल से पुरानी गाड़ी तो बिल्कुल भी नहीं चल सकती है, ओके। तो दोस्तों BMW के साथ TVS मोटर जो है अपना टाई अप कर रहा है। नासा के उस अंतरिक्ष यान का नाम बताइए जो सूर्य के बाहरी या वातावरण से गुजरने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया है, तो दोस्तों ये है पार्कर सोलर प्रोब, जो सूर्य के बाहरी वातावरण से गुजरने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया, पार्कर सोलर प्रोब का नाम याद रखिएगा, नासा का है ये क्वेश्चन, पिछले 3-4 साल से तो पूछ ही रहा है क्योंकि भाई साहब जब ये शुरू हुआ था मिशन तब भी एग्जाम में आया, 3 साल से ये सूर्य की ओर जा रहा था, अब ये पहुंच गया है तो अब जो है एग्जाम में फिर आएगा, ठीक है, क्लियर है, समझ गए, ओके। दोस्तों उसके बाद 7 बार के चैंपियन, 7 टाइम चैंपियन कौन है जिनको विंडसर कैसल लंदन में नाइटहुड उपाधि मिली है, नाइटहुड उपाधि दोस्तों इन्हें मिली है, ये 100 रेस जीतने वाले एकमात्र जो है फॉर्मूला 1 रेसर है, यूके के ही रहने वाले हैं, नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर जी को भी मिली थी दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर जी जिन्हें 1913 में नोबेल प्राइज मिला था, नाइटहुड की उपाधि उन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को जो हुआ था अमृतसर में उसके बाद लौटा दी थी, कैसरे हिंद की उपाधि गांधी जी ने लौटा दी थी, नाइटहुड की उपाधि ये ब्रिटेन के राज परिवार द्वारा दिया जाने वाला अवार्ड है, ये देख रहे हैं प्रिंस जो है यहाँ पे ऐसे ये इनको घुटने पे बैठाते हैं और फिर तलवार से जो है इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी जाती है, ऐसे ही रविन्द्रनाथ टैगोर को भी मिली रही, ऐसे ही सबको नाइटहुड की उपाधि मिलती है, लुइस हैमिल्टन को भी मिल गई है, ओके, तो राज परिवार ब्रिटिश राज परिवार नाइटहुड की उपाधि देता है, ओके, क्लियर है, याद रहेगा। दोस्तों निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021 के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, तो नीरज चोपड़ा को मिला है, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म फेडरेशन ऑफ इंडिया का अवार्ड सुनील गावस्कर को मिला है लेजेंड के रूप में, और शायद महिलाओं में किसे मिला है, महिलाओं में किसे मिला है भैया, मेरे हिसाब से अवनी लेखरा को मिला या मीराबाई चानू को मिला, अवनी लेखरा का चांस ज्यादा लग रहा है मुझे, ध्यान में नहीं आ रहा। बड़े राज्यों की कैटेगरी में कौन सा राज्य बेसिक साक्षरता में दोस्तों सबसे नीचे, बेसिक साक्षरता में सबसे नीचे बिहार है दोस्तों, बेसिक लिटरेसी में सबसे नीचे जो है बिहार है, याद रखिएगा। लार्ज स्टेट में बंगाल सबसे ऊपर है, सोच लीजिए बंगाल भी ऊपर हो गया लेकिन बिहार नहीं सुधर रहा है। स्मॉल स्टेट में दोस्तों केरल जहां पे टॉप पे है, यूनियन टेरिटरी में लक्षद्वीप और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में मिजोरम, क्लियर है। अब बिहार टॉप में नीचे क्यों रहता है, लिटरेसी रेट 61.80% सबसे कम वैसे ही है, उसके बाद आप बता रहे टीचर का सम्मान भी नहीं होता, उसके बाद भाई साहब नकल जोरों से होता है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जो टॉपर है वहाँ का उसको एक नॉर्मल क्वेश्चन दे दो तो नहीं लगा पाएगा क्योंकि इतना नकल मारा है कि उसको पता ही नहीं है, उसका पेपर भी किसी और ने दे दिया होगा टिक मार के, वहाँ नकल कराने वालों को भी कुछ नहीं आता है, तो क्योंकि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है क्योंकि आपको पता तो होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन आया किस चैप्टर का है, तब तो आप नकल मार पाओगे, नकल मार भी वही आदमी सकता है जिसने साल भर पढ़ाई की हो, वरना नकल हर आदमी मार भी नहीं सकता, ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश है दोस्तों जो बॉटम से सेकंड नंबर पे है, झारखंड छोटे राज्यों की कैटेगरी में सबसे नीचे है, ठीक है, और यहाँ पे सबसे ऊपर वालों पे बात करें तो केरल है, यूनियन टेरिटरी में लक्षद्वीप है, नॉर्थ स्टेट में मिजोरम है और बड़े स्टेट में बंगाल है। किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है, नगदक पेल जी खोरलो से सम्मानित किया, तो भूटान ने दोस्तों मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है, क्लियर है,
अवनी लेखरा को मिला है, वेरी गुड। दोस्तों इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो भूटान, थिम्पू इसकी जो है कैपिटल है, नगलट्रम इसकी करेंसी है, एकदम भारत से सटा हुआ है, मानस नेशनल पार्क भूटान तक फैला हुआ है जो आसाम वाला है। और दोस्तों भूटान में ही हम सबसे पहले वैक्सीन दिए, सबसे पहले हमने रुपे कार्ड भूटान में लॉन्च किया, सबसे पहले यूपीआई भी हमने भूटान में ही लॉन्च किया था। ठीक है, क्लियर है, चलो। किस देश ने 11 दिनों के लिए हंसना पीना खरीदारी करना सब प्रतिबंधित कर दिया है? 11 दिन तक आप हंस नहीं सकते, पीना मतलब पानी पी सकते हैं, वो नहीं पी सकते वो, ठीक है, समझ गए। खरीदारी करना भी यानी कि कुछ भी इंजॉयमेंट जो है बैन कर दिया है नॉर्थ कोरिया में, क्योंकि तो इनके जो पिताजी थे इनका जो है बरसी मनाया जा रहा है, इसलिए इतनी ऊंची ऊंची मूर्ति लगाए हैं ये डिक्टेटर है किम जोंग उन, देखो आदमी छोटे छोटे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे किम जोंग उन बहुत बड़ा डिक्टेटर है, तो इन्होंने बोला है कि सब लोग 11 दिन तक उदास रहिए, घर में निधन हो तो भी रो नहीं सकते हैं, 11 दिन तक अगर आपके घर में कोई निधन हो गया तो अंतिम संस्कार नहीं होगा, क्योंकि इनके पिताजी का बरसी मन रहा है, बर्थडे सेलिब्रेशन या कोई भी सेलिब्रेशन नहीं होगा। नॉर्थ कोरिया की जो कैपिटल है प्योंगयांग है दोस्तों, ठीक है, करेंसी है वॉन, वॉन साउथ कोरिया की भी करेंसी है। साउथ कोरिया ने एंटी गूगल लॉ लाया था, नॉरो स्पेस सेंटर से नूरी जो है सेटेलाइट भी लॉन्च की थी, ठीक है, क्लियर है। देखिए आप लोग हंस रहे हैं, ये आप लोग जो है गलत करें किम जोंग उन बहुत मार मारेगा, तुम्हारे ऊपर मिसाइल फेंक सकता है, समझ गए, हाँ तुम लोग हंस रहे हो, इसका परिणाम तुम लोग जानते हो, तुम लोग के ऊपर मालूम पड़ा, तुम लोग के चक्कर में मिसाइल हमारे घर पे आ गया। दोस्तों यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में कितने भारतीय तत्व शामिल किए गए हैं? तो 14 इंटेंजिबल जो है हेरिटेज शामिल हो गए, 14वां कौन सा शामिल हो गया? कोलकाता की दुर्गा पूजा, कोलकाता की दुर्गा पूजा को दोस्तों अमूर्त विरासत में शामिल कर लिया गया है, ठीक है, यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में। रामलीला है, कुंभ मेला है, वैदिक उच्चारण है, बौद्धिक चैंटिंग है लद्दाख की, है ना, बहुत सारी जो है चीजें हैं, नट संकीर्तन है, बहुत सारे उत्सव हैं। तो यहाँ पे 14वीं जो है कोलकाता की दुर्गा पूजा भी बहुत फेमस है। तो 14 क्या हो गई दोस्तों? इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज हो गई, 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गया, 47 रामसर साइट हो गया, हैदरपुर रामसर साइट, 48 टेंटेटिव लिस्ट हो गई, ये सब यूनेस्को का है, ओके। तो ये सब बढ़ते जा रहा है यूनेस्को की, अभी भारत ने सदस्यता 4 साल के लिए मिल गई है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की भी और वर्ल्ड हेरिटेज काउंसिल की भी। लिवरपूल लंदन का जो रिवर फ्रंट है उसको बाहर कर दिया यूनेस्को ने, धोलावीरा और रामप्पा मंदिर को अंदर कर दिया, ठीक है। यूनेस्को की अभी हेड ऑड्रे ओजोले मैडम फिर से चुन ली गई हैं। इंडिया वाले पेंडेमिक में भी हंस रहे थे, ये इंडिया वाले ना नरक में भी इंजॉय करने लगते हैं। शिवानी कह रही सर हमको थोड़े दिन पहले पता चला कि ऑड्रे ओजोले फीमेल है, हमको खुद पता चला था उस दिन जिस दिन फोटो देखे थे ऑड्रे ओजोले जब दोबारा चुनी गई थी, तो ऑड्रे ओजोले के साथ हम लोग मेल वर्ड यूज करते थे, ऑड्रे ओजोले बन गए हैं, ठीक है, चलो। इसके बाद दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा लॉन्च किया गया बॉब वर्ल्ड वेब क्या है? दोस्तों बॉब वर्ल्ड वेब क्या है? दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा को डिजिटल पेमेंट में बेस्ट अवार्ड मिला है, डिजिटल पेमेंट स्कोर भी इसका बेस्ट रहा है, बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड बॉब वर्ल्ड वेब जो है ये वियरेबल डिवाइस है, क्या है? वियरेबल डिवाइस है, जो बैंक ऑफ बड़ौदा ने डिजिटल पेमेंट उत्सव में ही इसको जो भी लॉन्च किया होगा, है कि नहीं, वियरेबल डिवाइस है। आप जो है इससे क्या क्या कर सकते हैं? तो इससे आप अपने ऑक्सीजन की बॉडी टेम्परेचर, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर ये भी नाप सकते हैं,
और फिर कॉन्टेक्टलेस पेमेंट भी कर सकते हैं, उस वियरेबल को उस वॉच से जो है पेमेंट भी कर सकते हैं। तो नाम क्या है, BWW, बॉब वर्ल्ड वेब, जैसे WWW होता है वैसे BWW है। निम्नलिखित में से किसने भारत में द स्टेट ऑफ फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी जारी किया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिलीज स्टेट ऑफ फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। दोस्तों ये इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार जो काउंसिल है उसके हेड कौन है, रतन पी वटल हैं। और रतन पी वटल ये जो आपका विस्टा प्रोजेक्ट चल रहा है जो दिल्ली में राजपथ पे नए बिल्डिंग्स बन रहे हैं, सारे मंत्रालय विभाग एक जगह किए जा रहे हैं, संसद भवन नया वाला बन रहा है, उसको पूरा जल्दी से जल्दी बन जाए 2022 अगस्त के पहले, इसके ऊपर पूरा रतन पी वटल उसके भी हेड हैं। ठीक है, क्लियर है, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार समिति के भी हेड हैं। ओके चलिए दोस्तों, हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का उद्घाटन और संबोधन किया, ऑल इंडिया मेयर कॉन्फ्रेंस। दोस्तों काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के होने के बाद 12 मुख्यमंत्रियों का मुख्यमंत्री सम्मेलन भी किया था और यहीं पे मेयर्स को भी बुला के वाराणसी में अपने संसदीय क्षेत्र में इन्होंने सम्मेलन किया। दो दिन रुके थे, रात को 2 बजे पहुंच गए स्टेशन पे, रात को 2 बजे पहुंच गए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में। भाई साहब एक से एक जो है कि गजब के आदमी है भाई, गजब मतलब एक दिन में 3 बार काशी विश्वनाथ मंदिर गए हैं ये खाली कॉरिडोर में, एक बार दिन का देखने, एक बार रात की लाइटनिंग देखने, एक बार शाम को घाट के किनारे से नज़ारा लेने। दोस्तों महापौर की बात करें मेयर की, तो भारत की सबसे कम उम्र की मेयर जो है तिरुवनंतपुरम की आर्या राजेंद्रन है, आर्या राजेंद्रन है। ओके, तो ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस वाराणसी जो है यहाँ पे हुआ है मेयरों का, और ये हरदीप सिंह पुरी जी हैं, ये अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर भी ये हैं। ओके दोस्तों, हाल ही में आरोग्य वर्ल्ड ने अपने प्रमुख सम्मेलन में कितनी नई कंपनियों को स्वस्थ कार्यस्थल 2021 के रूप में मान्यता दी है। रिसेंटली आरोग्य वर्ल्ड रिकॉग्नाइज हाउ मेनी न्यू कंपनी हैज हेल्दी वर्क प्लेस 2020 एज इट्स फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस। तो दोस्तों यहां पे 14 जो है कंपनियों को हेल्दी वर्क प्लेस के रूप में मान्यता दी है। ओके क्लियर है, आरोग्य वर्ल्ड। दोस्तों हाल ही में किस शहर में बांग्लादेश वीजा आवेदन केंद्र का उद्घाटन किया गया, तो बांग्लादेश के साथ अपनी दोस्ती चल रही है तो वीजा एप्लीकेशन सेंटर जो है के लिए अब उनको दिल्ली और मुंबई नहीं भटकना पड़ेगा, कोलकाता में ही बांग्लादेश वीजा आवेदन सेंटर, वीजा एप्लीकेशन सेंटर यहां पे ओपन कर दिया। बांग्लादेश वीजा एप्लीकेशन सेंटर का सामने शीशे पे दिख भी रहा है, डिस्टेंसिंग का पालन भी हो रहा है। अच्छा सबसे मजे की बात है, जो डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा था तो इतना अच्छा पालन हो रहा था कि इस कुर्सी पर लोग नहीं बैठते थे, अब जगह नहीं है, कोई मान लो आ गया, अब कोई एक ही परिवार का है तो 2 लोग यहाँ बैठ जा रहे हैं, यहाँ 2 लोग बैठ जा रहे हैं और यहाँ कोई नहीं बैठ रहा है। देखिए मतलब एक से एक है कि भाई नियम का पालन हम करेंगे सोशल डिस्टेंसिंग में, यहाँ 2 लोग बैठ जा रहे हैं, एक से एक जो है कि क्या बताया जाए। तो दोस्तों कोलकाता में बांग्लादेश के पहले वीजा आवेदन केंद्र का जो उद्घाटन है उस देश के विदेश मंत्री अब्दुल मोमिन ने किया। ठीक है, इधर से राजनाथ सिंह जी फीता काट रहे हैं, क्या बात है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य यानी 2000 रुपए तक के भीम UPI लेन देन व्यक्ति से व्यापारी यानी पर्सन टू मर्चेंट, जो तुम दुकान पे जो पेमेंट करते हो उसको बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। 1 वर्ष यानी फिनेंशियल 2022 के लिए इस योजना का कितना पैसा खर्च किया जाएगा, इस योजना पर कितना पैसा खर्च किया जाएगा, 1300 करोड़ रुपए। यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड एन इंसेंटिव स्कीम टू प्रमोट रुपे डेबिट कार्ड एंड लो वैल्यू अप टू 2000 रुपीज भीम UPI ट्रांजेक्शन पर्सन टू मर्चेंट इन इंडिया। वॉट इज द फिनेंशियल आउटले ऑफ स्कीम। अच्छा इसमें पैसा क्या खर्च होता है, एक MDR चार्ज होता है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता है, वो भारत सरकार वहन करती है छोटे ट्रांजेक्शन में कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, डिजिटल पेमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ पे मर्चेंट डिस्काउंट रेट कौन देता है, वो देती है। ठीक है क्लियर है, भारत सरकार जो है करती है इसके लिए। कैबिनेट ने अप्रूव किया इंसेंटिव स्कीम भी,
रुपए डेबिट कार्ड के प्रमोशन के लिए। बैंक्स टू बी इंसेंटिवाइज लो वैल्यू अप टू 2000 रुपीज भीम यूपीआई ट्रांजेक्शन बाई वे ऑफ पेइंग परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन। अच्छा, भीम यू वाले ट्रांजेक्शन में किसने टॉप किया, मैंने आपको एक दो दिन पहले ही पढ़ाया था, बताइएगा। तो दोस्तों यहां पे जो है कि बैंकों को भी इंसेंटिवाइज किया जाएगा इस पैसे से। ठीक है दोस्तों, वो हैज रिसीव्ड ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड। ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इंडस इंटरप्राइजेस टाई। द इंडस एंटरप्रेन्योर से ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये अवार्ड कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है। ओम मंगलम मंगलम, भाई बिरला टाटा बहुत पुराने रईस आदमी है, तो कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है। ठीक है, क्लियर है। द स्टेट एंटरप्रेन्योर्स टाई से ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड इन्हें मिला है। आदित्य बिरला ग्रुप के अध्यक्ष हैं कुमार मंगलम बिरला, इनको गुरुवार को सिलिकॉन वैली स्थित द इंडस एंटरप्रेन्योर से ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द अवार्ड बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन मिला है। निम्नलिखित में से, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, 49th क्वेश्चन पे आज बस कर दे। 49 तो ये बाद में आया है, शुरू में भी हम लोग 45 क्वेश्चन पढ़े हैं। तो यहाँ पे आज मैंने आप लोग कहा था कि 60 से ज़्यादा क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा, कल ही मैंने कहा था कि मेरा मन है कल 60-70 से ऊपर क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, और सारे क्वेश्चन नए हैं, एक भी क्वेश्चन जो पुराना नहीं अभी तक पढ़ाया हूँ। ये नहीं कि सोच लेना कि ये रिवीजन चल रहा है, पुराना क्वेश्चन नहीं है, सब नए क्वेश्चन पढ़ाए हैं, आपको याद हो तो। अभी तक मतलब जो क्वेश्चन नहीं पढ़ाए थे वो पढ़ाया हूँ। ठीक है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने व्यापारियों निवेशकों को प्रशिक्षित करने के लिए वेल्थ एकेडमी एडिटेक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो वेल्थ एकेडमी एडिटेक प्लेटफॉर्म ये पेटीएम ने लॉन्च किया है, वेल्थ एकेडमी एडिटेक प्लेटफॉर्म। अभी गूगल ने भी कोई एकेडमी एक लॉन्च किया है ना, याद है कि नहीं, पेटीएम दोस्तों का हेडक्वार्टर नोएडा में है। तो आज का सेशन यहीं रखते हैं दोस्तों, पेटीएम के जो हेड हैं वो हैं विजय शेखर शर्मा, और पेटीएम पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर नोएडा, पेटीएम पेमेंट बैंक के हेड हैं सतीश कुमार गुप्ता, और पेटीएम मनी का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। ओके, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर। 11 बजे मिलते हैं प्लस कोर्स में, शाम को 5 बजे वाईफाई शरीर 2.0 पे, शाम को 7 बजे बैंकिंग की क्लास में। ऐप पर मुझे फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, और जीए भाई पीयूष सर पे सारे लिंक मिल जाते हैं आपको। मुझे फॉलो कर लेंगे तो ऐप पर जो मेरी क्लास रात को 9 बजे और शाम को 7 बजे बैंकिंग की जो क्लास होती है वो भी आपको मिल जाया करेगी, 6 मंथ करेंट अफेयर की क्लास आपको मिल जाया करेगी, फ्री क्लासेस है, उसे आप लोग फॉलो कर लीजिए, सारा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, लव यू टू। ओके, संगीता कह रही है सर, यस सर, तभी आंसर समझ नहीं आ रहे थे। हाँ, तुम लोगों को लगा होगा कि रिवीजन चल रहा है, लेकिन रिवीजन नहीं चल रहा था, ये सारे नए क्वेश्चंस थे। ठीक है, चलो, ओके, बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए, बाय।